कोरोना से नहीं मरेगा लेकिन भूखमरी से और कर्जा से मर जाएगा। 100 में 80% दुकानदारी था, अब 20% भी नहीं है। इसमें बड़े बड़े लोग निहाल हो रहे हैं, छोटा व्यक्ति मर रहा है। सारी बीमारियां दूर हो गई, कोरोना आगे हो गया, हमारा बाल बच्चा खाने भी ना मरेगा। दोस्तों नमस्कार, अभी आप YouTube पर देख रहे हैं भारत दर्शन ब्लॉग, और अभी हम लॉकडाउन में बिहार की यात्रा कर रहे हैं। अभी हम अकोढ़ी गोला हैं, डेहरी ऑन सोन से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है। दोस्तों अभी हम लॉकडाउन में यहाँ अकोढ़ी गोला की यात्रा करेंगे, लोगों से दुकानदारों से उनकी राय जानेंगे लॉकडाउन के बारे में। तो चलिए अकोढ़ी गोला की यात्रा शुरू करते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं पुलिस वाले अभी उद्घोषणा कर रहे हैं कौन कौन से गाइडलाइंस होंगे यहाँ दुकानदारों के लिए। और अभी चहल पहल ज़्यादा है क्योंकि कल से लॉकडाउन लगने वाला है। अभी हम दुकानदारों से बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप देख रहे हैं सामने लिप्सी मिठाई दुकान, हम इनसे बात करेंगे। कल से बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? लॉकडाउन लगना चाहिए? लगना चाहिए, स्थिति बहुत ख़राब है बिहार में। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही निर्णय लिए हैं, उसका हम लोग पालन करेंगे। ये दुकान तो बंद हो जाएगा, तो आप लोगों का जो इनकम है वो तो बंद हो जाएगा, क्या करेंगे? क्या करेंगे, जीवन से ज़्यादा इनकम नहीं ना, जिंदगी रहेगा तो बहुत कमाएंगे। अच्छा बताइए, कल से लॉकडाउन लग रहा है, आपकी क्या राय है, लॉकडाउन सही है बिहार सरकार का? सही नहीं रहेगा तो बिहार तो चल जाएगा पीछे दम। लॉकडाउन जरूरी है, रोग इतना बढ़ रहा है, 13,000-14,000 मरीज डेली निकल रहे हैं बिहार में। कल वैशाली जिला में 40 को मर गया, पटना में 30 को मर गया, तो जरूरी तो ये है। लेकिन गरीब आदमी जो है, जो मजदूर है, उनके लिए तो आफत आ जाएगी। आफत तो जरूर है, दिल्ली सरकार ने तो गरीब के लिए 5,000 रुपया आज ऐलान किया है देने के लिए। अब देखिए बिहार सरकार क्या कर रहा है, देखिए अब कल निर्णय लेगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए? सपोर्ट तो जरूर है। और यहाँ पर सब्जी दुकान वाले से पूछें, कल से बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है, तो क्या ये सही डिसीजन है सरकार का? सरकार का तो सही डिसीजन है, लेकिन सावधानी रहते हुए अगर दुकान खुले तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दुकान खुलना चाहिए? हाँ दुकान खुलना चाहिए, सही तरीका से खुलना चाहिए। मैंने 3-3 दिन जो खुल रहा था 4-4 घंटा उसे खुले तो इसे कोई दिक्कत नहीं था, आदमी की परेशानी भी दूर था और सावधान भी रहेंगे। अच्छा तो बहुत अच्छा, इन्होंने कहा कि दुकान खुलने चाहिए भले लॉकडाउन लगे। और अकोढ़ी गोला की 80 साल पुरानी दुकान आप देख रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। लॉकडाउन तो जरूरी है मगर गरीब तो इसमें मरेंगे, छोटा छोटा दुकानदार जो है मर जाएगा। हम लोग हैं, मान लीजिए मिठाई हमारा बना हुआ है और 50 किलो मिठाई बनाए हैं ग्राहक को देने के लिए, और सब मिठाई ख़राब हो रहा है। और बताइए कल से लॉकडाउन लग जाएगा तो मेरा मिठाई टोटल तो ख़राब होना ही है, सब बर्बाद होना ही है, तो क्या करें हम लोग तो लाचारी। इसके लिए सरकार क्या कुछ आपको कोई रहम नहीं देगी? सरकार तो कुछ नहीं इसके बारे में कह रही है, लेकिन अब हम ही लोग अपना बर्दाश्त करेंगे, क्या करेंगे, मरना तो है ही है। अभी लगन का समय भी चल रहा है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए दोस्तों। और अकोढ़ी गोला का पूजा दुकान है, हम इसे बात करेंगे। बताइए जो है ये जो लॉकडाउन लग रहा है बिहार में, तो आपकी क्या राय है? यही है कि लोग मास्क पहन कर चले और सावधानी बरते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो आप चाहते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए? हाँ फिलहाल 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगना चाहिए। और एक और पूजा दुकान है, हम इनसे बात करेंगे। बताइए जो है लॉकडाउन कल से लग रहा है, तो क्या राय है आपकी, लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन लगना ही चाहिए, अच्छा बात है। लॉकडाउन लगने से हम लोग का जितना भी रहेगा बचेंगे हम लोग, अच्छा रहेगा जी। और अकोढ़ी गोला की एक और पुरानी दुकान अभी हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, ये आपके सब्सक्राइबर हैं? हाँ ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। बोलिए हमारा जो वीडियो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है, हम सारा परिवार एक साथ देखते हैं आपका वीडियो। वाह, ये पूरा परिवार हमारा मिल बैठ करके हमारा चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं। तो बताइए कल से लॉकडाउन लग रहा है तो इसमें आपकी क्या राय है? ठीक है, कल से लॉकडाउन बढ़िया है, कोरोना का राय। लेकिन ये बताइए, शादी ब्याह हो रहा है उसका छूट है, शादी ब्याह होगा, लेकिन शादी ब्याह मटेरियल जो बिकता है वो नहीं बिके तो कैसे होगा शादी ब्याह, बताइए आप ही। उसके लिए सरकार को हमको कुछ छूट देना चाहिए। तो आपको कोई छूट नहीं मिल रही है आपकी दुकान को? ऐसा तो किसी प्रकार का छूट नहीं मिला अभी तक। तो ये आप देख रहे हैं शादी के आइटम बेचते हैं, लेकिन शादी के आइटम को सरकार ने कोई छूट नहीं दिया है दोस्तों, जबकि बहुत जरूरी आइटम है। जरूरी आइटम? हाँ एकदम जरूरी आइटम है, बिना मोर बिना पगड़ी मतलब जो भी सिंदूर जो मतलब
जिसके लिए शादी हो रहा है सिंदूर के लिए, उसका सिंदूरा आइटम नहीं मिला, कहाँ के लिए शादी होता है सिंदूर जो सबसे जरूरी होता है, वो सिंदूर पे लॉकडाउन लग रहा है। बात सही है, अब बताइए छूट देना चाहिए सरकार को तो? लॉकडाउन सही है, लॉकडाउन से कोरोना थमेगा, हो सकता है कोरोना का चैन टूटे, हो सकता है, पक्का नहीं है। हाँ पक्का नहीं, कन्फर्मेशन नहीं है। पर वैष्णवी स्वीट्स है और उसी के बगल में प्रकाश पुस्तक भंडार है, गोला का सबसे बड़ा दुकान है किताब की। हम प्रकाश भैया से पूछेंगे कि इस बार जो लॉकडाउन लग रहा है बिहार में, इनकी क्या राय है? तब बताइए प्रकाश भैया, इस बार बिहार सरकार जो लॉकडाउन लगा रही है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यह क्या सही डिसीजन है लगना चाहिए लॉकडाउन? बिहार में कोरोना जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अब इसका इलाज एक ही है कि लॉकडाउन करिए दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत जनता परेशान हो रही है। लेकिन किया भी तो क्या किया जाए, जान माल सबको तो देखना है, जान जोखिम में डालकर आदमी दुकान खोल रहा है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जान रहा है। लेकिन ये बताइए कि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वो तो मर जाएंगे। जी जी, ये तो सही बात है। अब इसके लिए तो चूंकि सरकार को कुछ गाइडलाइन गरीबों के लिए तो देना ही पड़ेगा। दो साल से हम लोग का भी दुकान जो बंद है, हम लोग भी रोड पे आ गए हैं, अब किया तो क्या किया जाए, हम लोग को भी तो कोई दूसरा अगला बिजनेस है नहीं। और आपका ये सराहनीय काम बहुत बेहतर है और लोकल क्षेत्र में सबसे आप प्रचलित हैं जी, यहाँ पर 10 कोस के एरिया में सब आपको जान गए हैं लोग जी, आप यहाँ का सबसे मशहूर आदमी धीरे धीरे हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉकडाउन की खबर को लेकर अकोड़ीगोड़ा में हलचल बढ़ गई है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा चल रही हैं, लोग अपने अपने डेस्टिनेशन जा रहे हैं, जो कि कल बहुत प्रॉब्लम होने वाली है लोगों के लिए। और दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अकोड़ीगोला का सबसे स्वादिष्ट टेस्टी चाय दुकान, अपना चाय ढाबा सामने आप देख रहे हैं। अच्छा बताइए, आपका चाय बड़ा टेस्टी होता है, क्या क्या चाय में डालते हैं? बस केवल कुछ नहीं डालते, यही चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं बस, और उसको पूरा अच्छी तरह से खोलाते हैं। लॉकडाउन जो सरकार डिसीजन है, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट सर नहीं है, नहीं लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए था। अच्छा। सर हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना में सर कितना चलाएंगे, कमाएंगे खाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अकोड़ीगोला मैक्सिमम लोग मास्क पहने हुए हैं, गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं छोटे से शहर में बिहार के। और सामने आप देख रहे हैं बलभद्र प्लाजा, इस प्लाजा के अंदर हम चलेंगे और लोगों से, दुकानदारों से जानेंगे लॉकडाउन के बारे में, लोगों की उनकी राय। लॉकडाउन लग रहा है तो आप सरकार के इस फैसले से खुश हैं? खुश क्या है, और हम लोग का रोजी रोजगार बंद हो जाएगा, और जो पर साल भी हम लोग का बंद हो गया, फिर नशों भी बंद हो जाएगा, लेकिन जो ये महामारी होगा बहुत दिक्कत होगा, और ये रोग जो बढ़ रहा है ना, इसलिए बंद होना चाहिए तो ठीक भी है। तो लॉकडाउन से महामारी ख़त्म हो जाएगी? कहाँ ख़त्म होगी, तो फिर लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, गरीबों को परेशान करने के लिए? हाँ ये गरीब का परेशानी ना है, जैसे हम लोग का दो रोज यहाँ दुकान पर आकर कमाते हैं तो खाना खाते हैं, और घर पर बैठेंगे तो मालिक हम लोग को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और ग्राहक है, बोलिए, कल से लॉकडाउन लग रहा है, क्या ये सरकार का सही डिसीजन है, लगना चाहिए? डिसीजन तो ठीक है, लेकिन गरीबों का ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को, अगर सरकार अगर लगती है लगाती है लॉकडाउन तो गरीब का भी ध्यान रखिए, अन्यथा गरीब मर जाएंगे, जान लीजिए। तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेडिकल की दुकान, ये हमेशा खुली रहेंगी, सारी दुकानें बंद भले ही हो जाए, तो गरीबों के लिए आफत आने वाला है, अमीरों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों इस लॉकडाउन में। और यहाँ पर श्रृंगार स्टोर में आप देख रहे हैं क्राउड है, क्योंकि कल से लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोग आज ही से ख़रीदारी कर रहे हैं ताकि कल लोगों को दिक्कत ना हो, हम इनसे बात करेंगे। बताइए कल से लॉकडाउन लगने वाला है, आपकी क्या राय है, लॉकडाउन सही है सरकार का डिसीजन? हम क्या कह सकते हैं सही क्या है, तो सरकार कह ही रहा है तो हम लोग को तो मानना है ही है। जब लॉकडाउन लगा दिया तो खाएंगे क्या? हाँ। नीमक रोटी चाटेंगे कि नीमक चाट के रहेंगे कि पानी पी के रहेंगे, अब सरकार जानिएगा। तो सरकार आप लोगों के लिए कोई मतलब सुविधा नहीं दे रही है? नहीं, कहाँ सुविधा दे रहे हैं, सब सारा चीज पर तो लॉकडाउन लगा दिया तो सुविधा कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर अकोड़ीगोला में बहुत सारे दुकानदार चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे, लेकिन गरीबों के बारे में, छोटे दुकानदारों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर और भी दुकानदारों से बात करेंगे। अब हम अकोड़ीगोला चांदी रोड चल रहे हैं और यहाँ दुकानदारों से बात करेंगे सरकार के डिसीजन के बारे में, लॉकडाउन के बारे में। यहाँ पर अकोड़ीगोला चांदी रोड गिफ्ट की दुकान है, सामने आप देख रहे हैं,
कोढ़ी गोला की पंचायत समिति हैं विकास जी, हम इनसे बात करेंगे। तो विकास जी बताइए कि जो है लॉकडाउन लग रहा है कल से, संपूर्ण लॉकडाउन, तो क्या राय है आपकी, सरकार का डिसीजन सही है या गलत है? डिसीजन सर सही है, लेकिन आदमी कोरोना से नहीं मरेगा लेकिन भूखमरी से और कर्जा से मर जाएगा। तो बताइए मरना तो कैसू है, इसलिए आदमी कमा के मरता तो बढ़िया रहता मेहनत करके। भूखमरी और कर्जा से मरना बढ़िया चीज़ ना है कि आदमी कमा के मरे। चांदी रोड में आप देख रहे हैं राशन का दुकान है, हम राशन के यहाँ पर दुकानदार से बात करेंगे। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि जो पहले 100 में 80% दुकानदारी था अब 20% भी नहीं है। महंगाई उतने बढ़ता जा रहा है, बिक्री है नहीं। लॉकडाउन तो लग गया, ये लगन था, लगन में हम लोग सोचे थे कि चलिए माल पकड़ कर अपना, मतलब यानी हम लोग लगन में कुछ दो पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा लगभग नहीं किया कि हाँ हम लोग लगन में हैं, समझिए। अच्छा, बहुत बुरी स्थिति आप देख रहे हैं, लगन में कुछ पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और इनको लगता है कि कोरोना साजिश है। और आप सामने देख रहे हैं गरीब लुहार चांदी रोड में। बताइए सरकार का डिसीजन लॉकडाउन गरीब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गरीब पे सर बहुत दिक्कत होगा, कमाने खाने वाला पर बहुत दिक्कत होगा, कमाई नहीं होगा, राशन पानी कैसे जुटा पाएगा, हर तरह से परेशान होगा। हर भाती अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लुहार भाती पहली बार देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कैसे काम करता है। अच्छा, एक क्या क्या आप काम करते हैं इसमें? इसमें हम झामुम पजा लेते हैं, हसुआ पजा लेते हैं, खुरपी उरपी पजा लेते हैं, यानी धार देने का काम करते हैं आप। हाँ। कुछ बनाते भी हैं? हम क्या, ये सब पुराना गृहस्थी काम, किसान लोग का काम करते हैं। अच्छा, तो ये सरकार का जो निर्णय है इससे आप खुश हैं या गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गरीबों को तो बहुत बुरा असर होगा, बाल बच्चा कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, यही तो हम लोग सोच रहे हैं कि बंद हो जाएगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगा। अब हम कोढ़ी गोला उस पार चलेंगे, पुराने वाले पुल से चलेंगे, सामने आप देख रहे हैं। बताइए कल से लॉकडाउन लग रहा है तो आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया हम लोग पर इतना प्रभाव पड़ेगा ना, हम लोग खैला भी ना मरेंगे। अब 7 बजे से 11 बजे तो ये खुलेगा सुबह में तो 11 बजे कौन आएगा यहाँ पर फल खाने के लिए? किसी के पास अनाज खाने के लिए पैसा नहीं है। मोदी जी इतना सामान महंगा कर दिए हैं, नीमक तेल मसाला की इसका कोई हद ही नहीं है, इससे बेरोजगारी आएगा और लोग भूखे मरेंगे। सरकार एकदम गरीब लोगों को बर्बाद कर रही है, इसमें बड़े बड़े लोग निहाल हो रहे हैं, छोटा व्यक्ति मर रहा है एकदम। आप देख रहे हैं जूता पॉलिश करते हैं, जूता सिलने का काम करते हैं। बताइए अंकल जी, बताइए कैसा, मतलब सरकार का डिसीजन क्या है? हमारा बाल बच्चा खाने भी ना मरेगा, नहीं कहेगा तो हम लोग जो भी कमाते हैं 100-200 तो उस पर अपना बाल बच्चा के खर्चा चलाते हैं। ना हम लोग का घर खेती है, ना बधारी है, ना कोई चीज़ है, कुछ नहीं है। तो सरकार आपके बारे में कुछ सोच रही है? कहाँ कुछ सोच रही है, हम लोग के बारे में कहाँ कुछ सोच रही है। पुराने पुल से होते हुए हम कोढ़ी गोला उस पार चलेंगे और उस पार लोगों से राय जानने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन लग रहा है, लोगों की क्या राय है, दुकानदारों की क्या राय है। पर कोढ़ी गोला पर एक खरीदारी करने के लिए आए हैं, ग्राहक हैं, हमसे जानेंगे। आप कहाँ से आएंगे, आपका नाम क्या है? मेरा संतोष सिंह नाम है, घर करकटपुर है। तो बताइए जो लॉकडाउन कल से लग रहा है इसके आपके बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, गरीबों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए और लॉकडाउन लगना जायज़ है, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इससे बचने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। लोग जिंदा रहेंगे तभी आगे खरीदारी करेंगे और सब कुछ काम करेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो जूता सिलने का काम करता है, उसके पास पैसे कहाँ से आएगा, वो खाएगा क्या? ऐसा नहीं है, कोई इतना गरीब आदमी नहीं है कि जो कि 15 दिन में भूखा मर जाएगा। इतना तो सभी के पास है जो कि 15 दिन 20 दिन महीने दिन अपना काम चला सकता है। लेकिन पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था उस समय तो केसेज कम थे, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो केसेज बढ़ने शुरू हो गए और अपने आप कोरोना ख़त्म हुआ, ना कि लॉकडाउन से ख़त्म हुआ था। ये अपने आप कोरोना ख़त्म नहीं होगा, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा, डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं करेंगे तब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। प्रिकॉशन जरूरी है ना, कि ना कि लॉकडाउन, लॉकडाउन से तो गरीब मर जाएगा, प्रिकॉशन सरकार को लागू करवाना चाहिए ना, कि लोग नियमों का पालन करें। जो अपनी जिम्मेवारी खुद नहीं उठाएंगे तो पुलिस किसके किसके पीछे भागेगी? पुलिस प्रशासन के मैं मानता हूँ कि उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन अपनी भी तो जिम्मेवारी बनता है कि हम उसकी जो गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करें। अब तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि मौत के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं,
कोरोना से पहले भी तो लोग मरते थे, हजारों लाखों लोग मरते थे, एक्सीडेंट से मरते थे, पर अब एक एक मौत की आंकड़ा दिखाया जा रहा है, तो इसमें नहीं लग रहा है कि कोई साजिश इसमें है इसके बीच में? नहीं, इसमें पॉजिटिव जो आ रहे हैं, जैसे जिनकी टेस्टिंग हो रही है, पहले इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था, अब टेस्टिंग हो रही है, उसकी रिपोर्ट बन रही है, उसके हिसाब से मौत के आधार जो है उसके हिसाब से तय किया जा रहा है कि कोई और बीमारी से मर रहे हैं या कोरोना से मर रहे हैं। नहीं, सारे मौत तो कोरोना से ही लिखे जा रहे हैं रजिस्टर में कि कोरोना से मरा है, कोई और मौत से तो कोई मर ही नहीं रहा है, अभी सारे लोग मौत कोरोना से मर रहे हैं। क्योंकि सारी बीमारियां दूर हो गई, कोरोना आगे हो गया, इसलिए कोरोना के सबसे वो आगे कर दिए और सारी बीमारियां दूर हो गई। कोरोना तो बढ़िया है ना, सारी बीमारियां खत्म हो गई देश से, बीमारियां तो खत्म हो गई है, लेकिन इससे गाइडलाइंस जरूरी है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो और भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कह रहे हैं कि फॉलो करना चाहिए, हमारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इसलिए रूल्स फॉलो नहीं हुए तो लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।